करते हैं। गुलामी का रास्ता नहीं है, वह भारत के सांस्कृतिक उत्थान का रास्ता है, यह संस्कार और मर्यादा का रास्ता है। पता नहीं इस घमंडिया गठबंधन के लोगों के मन में भगवान श्री राम के प्रति क्यों इतना नफरत है, राम मंदिर के निर्माण से इतना क्यों नफरत है, क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। और आरजेडी के नेता जो बोल रहे हैं इनके, यह तो मुखौटा है, पीछे तो लालू जी और तेजस्वी जी का चेहरा है। अब ये लोग महागठबंधन घमंडिया के नेता बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांग कर पूजा करने वाले, इतना तुष्टिकरण से ये लोग प्रभावित हो चुके हैं, और तुष्टिकरण देश के लिए हमेशा हानिकारक है। ये लोग बोलते हैं कि जब कोई बीमार पड़ेगा तो मंदिर में जाएगा या अस्पताल जाएगा, उनको पता ही नहीं है कि अस्पताल जिस समय जरूरत होगी अस्पताल में जाएंगे और जब जरूरत होगी तो मंदिर में जाएंगे। मंदिर और अस्पताल दोनों महत्वपूर्ण हैं, उनको पता नहीं है कि भगवान श्री राम जब श्रीलंका विजय के लिए जा रहे थे तो लक्ष्मण को बाण लगा था तो हनुमान सजीवन बूटी लाए थे, और वह बूटी क्या थी, औषधि थी। तो औषधि का अलग काम है, मंदिर और भगवान में आस्था संस्कार को, मर्यादा को, सामाजिक व्यवस्था को आदर्श देता है, इनको पता होना चाहिए। और आस्था ऐसी चीज होती है जो मन को भी मजबूत करता है, सेवा का भाव देता है, सत्कार का भाव देता है, सहानुभूति का भाव देता है, साहस का भाव देता है। तो इन लोगों को इससे मतलब नहीं है, इन लोगों को मतलब है अपने परिवार के लिए राजनीति कर, अपने परिवार के लिए राजनीति कर सत्ता प्राप्त करना, उसका दुरुपयोग करना, भ्रष्टाचार करना, घोटाला करना और सनातन को बार बार गाली देना, इनका यह काम बचा। आरजेडी के कहा है कि जिस तरीके से आप लोग अयोध्या में भीड़ जमा कर रहे हैं, बीजेपी ब्लास्ट करवा सकती है 22 तारीख को वहां पर। लगता है कि इन लोगों के नियत में खोट है, बीजेपी क्यों कराएगी, और वहां कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, वहां तो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा होना है। वहाँ साधु संत से लेकर वहाँ हजारों राम भक्त होंगे और भीड़ इकट्ठा वहाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या वही आए जिनको बुलाया गया है, उसके बाद जिनको जब आना है आए। इन लोगों के नियत में खोट है, और यह बताता है इस प्रकार की बात करना कि कहीं ये लोग तो कोई साजिश नहीं कर रहे हैं। त्यागी ने कहा है सीट शेयरिंग को लेकर।